चलिए सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि मैं इस क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को लगेगा कि हो सकता है सर तो रीड कर रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू रीड द क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं 60 और 30 जब मुझे दिखता है ना, तो मुझे लगता है कि इसको हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे बनाएंगे, समझ गए? तो आपको मैं पैटर्न डिस्कस करूंगा, फिर यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड टावर ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम, चलिए आपको बनाता हूँ, मैं पढ़ के ही बताता हूँ, पर इसके मैं पैटर्न को भी डिस्कस करूंगा। यहाँ बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 मीटर हाई आर दिस एंड दिस। पहले क्या करता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोगों को बिल्कुल पैटर्न बताना। तो हर्षा क्या तुम मेरे एक क्वेश्चन का मतलब हुआ 1/3 ऑफ द टोटल चैप्टर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, और अभी तक लगातार पिछले 3 साल से केवल 30-60 के एंगल का आ रहा है, और मैंने ये प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि ये पूरे चैप्टर को 3 क्वेश्चन में खत्म करूंगा, बताया था ऐसा कुछ वर्ड में कुछ बोला था, बोलो यस सर। तो मैं आपको अगर ऐसा बोला था तो आज ये प्रूव करने का टाइम आ गया है। तो आज मैं क्या करता हूँ आपके लिए, युवराज वेरी गुड इवनिंग, आज थोड़ा सा क्लास पहले शुरू कर दिया इसलिए गलती से लेट का मैसेज मैंने भेज दिया था। चलो आज ये क्वेश्चन बता रहा हूँ युवराज को, गुड इवनिंग युवराज को, ये क्वेश्चन सबको बता रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से कि किस तरह से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 3 क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले जो नजदीक में खड़ा होता है वो बड़ा एंगल बनता है, तो दैट इज 60 डिग्री, और जो दूर से देखता है उसके एंगल छोटे होते हैं 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत है? जब भी आप नजदीक से अमिताभ को देखोगे तो आपको अपना सिर को ज्यादा ऊंचा उठाना होगा, और जब कभी भी आप दूर से अगर देखते हो अमिताभ को, अमिताभ मीन्स कोई लंबी चीज को, तो आपको छोटा सा एंगल ऑफ एलिवेशन लेना होगा आपके सिर का, आपके आंखों का, ठीक है, एग्जैक्टली आंखों का। चलिए बीसी के डिस्टेंस को हमने ए माना है, ए क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जनरल फॉर्म में मैं बनाऊंगा। बी डिस्टेंस मान रहा हूं मैं सीडी को, और ए बी को मैं हाइट मान ले रहा हूं। बच्चों यहां तक किसी को दिक्कत है तो टोकिए, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का सब क्वेश्चन अब बनेगा। एक बच्चे का नाम लूं, विवेका नाम है उसका, और उसको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत दिक्कत होता था, तो वो मेरे पैटर्न पे गया एग्जाम में, बनाया और अच्छा स्कोर भी किया, और बोला कि हाइट एंड डिस्टेंस सर, उसी एक बच्चे का मैं सुनाऊंगी, बोला एकदम सर उसी ढंग से मैं काम किया और बन गया। चलिए तो आपके पास ये ट्रायंगल क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? नो सर। मैंने यहां बोला है कि ये एक टावर है, ए बी क्या है, वो एक कोई भी लंबी चीज है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इरेक्ट खड़ी है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अमित, और दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, एक पॉइंट को हमने नाम दिया है सी और एक को नाम हमने दिया है डी। तो सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और ये है हमारा एच हाइट। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब हमें क्या करना है, राइट एंगल लेना है, तो पहला राइट एंगल हम सेलेक्ट करेंगे ए बी सी, यहां पे बी है आपका 90 डिग्री, और यहां पे हम लेंगे टैन 60 डिग्री। टैन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये हो गया एच बाई ए, और टैन 60 का वैल्यू होता है √3 एच बाई ए। और आपको पता है कि अगर मैं ये दो ट्रायंगल के बारे में बात करता हूं तो दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन एलिमेंट है वो है हाइट। अगर मैं ए बी डी के बारे में बात करता हूं तो यहां पे भी हमारे पास टेन 30 डिग्री में जो हाइट होगा वही परपेंडिकुलर होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, हाइट बाई ए प्लस बी। क्लियर है यहां तक बच्चों? टेन 30 डिग्री का वैल्यू आप सबको पता है 1/√3 होता है, बोलो। अब देखिए yes, sir. आपको पता है कि हाइट कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, तो हम हाइट के वैल्यू को निकालते हैं, h इज इक्वल टू क्या होगा, √3a, और यहां पे h का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस b बाई √3।
यहां तक क्लियर है आपका? बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखिए क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। इसको हमने वन माना, युवराज इन लोगों को बोलो क्वेश्चन भेजने के लिए डाउट क्लास में, और इसको हमने टू माना, और हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों हाइट का वैल्यू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई रूट थ्री। ये रूट थ्री को यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और थ्री ए में से एक बार ए घटाएंगे तो क्या आएगा, टू ए इज इक्वल टू बी। आप मुझे ये बताओ कि आपने ए और बी के बीच में रिलेशन ले लिया, बोलो क्या रिलेशन मिला, कि अगर ए का वैल्यू हम 10 मीटर रखते हैं तो बी का वैल्यू कितना होगा, 5 मीटर। ए जो है वो छोटा है, बी बड़ा है, ए जो है अगर 10 रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा, 20 मीटर। अरे भाई ए के जगह पे आप 10 रख के देखो, बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10 क्या होगा, क्या बता रहे हो आप लोग बच्चों, 5। सर ए इज इक्वल टू बी बाई टू भी तो हो सकता है। हाँ तो ए इज इक्वल टू बी बाई टू हो सकता है ना, 20 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 होगा। क्लियर हुआ आपका, बोलो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, पहले देखो इस फिगर को एकदम बिल्कुल, मैं अगर प्रॉमिस किया था ना तो उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपको इस फिगर में बी का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, तो ए का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट बताओ, बी डबल है ए का, क्या होगा, 50। आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है कि अगर डी से यहां तक आने में 6 सेकंड लगता है तो बताओ यहां से यहां आने में कितना लगेगा, 6 सेकंड यहां से यहां आने में लगता है तो यहां से आने आने में कितना टाइम लगेगा बताओ, 3 सेकंड। क्लियर हुआ। तो अब आपको मैं कुछ चीज और बताता हूं, जैसे मैंने बोला है ना कि ये पैटर्न को आपके लिए मैं क्लियर करूं। ये बताओ कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर ये 10 है तो ये टोटल कितना है, 30 है, टोटल क्या होगा, 30 होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए अब आपको मैं कुछ और भी चीज बताऊं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि इस क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अब मैं एक फिगर बनाता हूं, ये यहां से मैं लाइन ले रहा हूं, यहां पे मैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, और यहां पे मैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। तो आप बताओ कि यहां से यहां तक का लेंथ अगर 60 मीटर है तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, डायरेक्ट बताओ आप, 30। क्यों 30 होगा जी, ये 30 वाले के बीच में बनता है 60, तो ये होगा तुम्हारा यहां से यहां तक होगा 1/3, और यहां से यहां होगा कितना, 40 मीटर। तो ये अगर 20 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 20 मीटर ही होगा ना, समझ में आ रहा है, ओपोजिट साइड हो गया ना, ये आ रहा है समझ में हर्ष? एक बार फिर से सर। मैंने इस ट्रायंगल में भी 60 बनाया है, पर ये क्या किया है, मैंने ओपोजिट साइड बना दिया है। जो पहले आपने यहां पे सॉल्व किया था, मैंने इस फिगर को यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे मैंने 60 बनाया ही नहीं, मैंने क्या किया, इसको दूसरे साइड में भेज दिया। तो 30 वाले का जो भी लेंथ होगा वो तो 3 times है ना, 3x है ना, यहाँ पे 60 वाले के लिए बनेगा x और बाकी के लिए बनेगा 2x, तो ये भी 60 है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, x, x का मतलब 20 मीटर। आ रहा है समझ में? मैं ये रिलेशन आपको बताना चाहता हूँ। यस सर, समझ गया। ये जो रिलेशन है वो क्या है, अब अगर ऐसा होता आपके पास फिगर,
कि यहां पे अगर मान लो, एक मिनट हमने इसको फिगर को थोड़ा चेंज कर लेना है। देखो यहां पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये पॉइंट है जहां से हम उड़ते हुए बलून को देख रहे हैं, और ये बलून जो है ना ये उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली और कुछ देर बाद यहां पहुंच जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस या यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो हम दे दिए 100 मीटर, ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है। और एंगल देखो क्या है, ये बड़ा वाला एंगल है 60 का और ये छोटा वाला एंगल है 30 का। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने 30 और 60 वाले क्वेश्चन को अलग अलग डायग्राम में डाल दिया। तो तुम बताओ यहां पे तो मेरा थियरी फेल हो गया ना, 30-60 वाला जो यहां पे बन रहा था। बोलो, ये 30-60 वाला जो फिगर था वो तो यहां पे फेल दिख रहा है, बताओ बच्चों। हर्ष बोलो, एक ही जगह से एंगल बन रहा है, ये बलून है जो आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ रहा है जो 60 के एलिवेशन पे है, और कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद ये बलून 30 के एलिवेशन पे उड़ रहा है। तो तुम बताओ ये जो हमारा फिगर था 60-30, ये वाला फिगर तो यहाँ नहीं बन रहा है ना। मैं मीटिंग में हूँ क्या बच्चों? यस सर, वो डिफरेंट फिगर हो गया। बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हुआ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये फिगर डिफरेंट क्यों नहीं हुआ वो देखो। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में और विवेका ने इसको इस तरह से बनाया था। विवेका को हर्ष पहचानता होगा पर आप लोग में से बच्चे नहीं पहचानते होंगे। देखिए यहाँ पे ये जो आपका एंगल था वो 60 डिग्री था अमित, और ये जो आपका एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से ये लाइन खींच देता हूँ। तो तुम बताओ कि ये अगर 60 है तो ये क्या होगा, ये 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तुम बताओ मैं इसको अगर 100 बोला हूं तो ये होगा अगर 100 तो ये क्या हो जाएगा, 200। फिगर सेम टू सेम यही है, बस क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहां पे आप देख रहे हो फिगर क्या है, वही सेम टू सेम है, देख रही हो हर्षा? यस, फिगर को सेम टू सेम है, पर ये किस बच्चे के लिए है, जो बच्चे वीक हैं थोड़े मैथ्स में उनके लिए ये ट्रिक काम करेगा। और वो ये 100-200 लिखे ही नहीं, उनको क्या लिखना है, केवल लिखना है ए बी और एच, और यही ए बी और एच करके उनको यहां तक बनाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको नंबर का यूज करना है अंत में जब ए और बी के बीच रिलेशन आ जाए, समझ गए? जब ए और बी के बीच रिलेशन जब आप एग्जिस्ट कर लेते हो तब ए का वैल्यू दिया है तो बी का निकाल लेना, बी का दिया है तो ए का निकाल लेना, और इस ए और बी के वैल्यू से आप एच का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ए का वैल्यू दिया है तो निकल जाएगा ना जी ये वैल्यू, बोलो, बता रही हैं आप, बोलिए। यस सर। तो अब आपको मैं वो क्वेश्चन करके दे रहा हूं जो अभी मुझसे पूछा है एक बच्चा, ये बोल रहा है, और इस क्वेश्चन को भी मुझे इसी फॉर्म में लाना है। ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये एक हाइट है जिसका हाइट दिया हुआ है 60 मीटर का बिल्डिंग है, और इस पॉइंट से एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और इसी पॉइंट से एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हम इन दोनों के बीच का ये लाइन ले ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितने का था, पहले एलिवेशन 30 डिग्री का, और फिर क्या है हमारा, ये अगर 30 है मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या है 60 है, ये है x, और ये अगर है हमारा 60 डिग्री तो ये क्या है 30 डिग्री है, मतलब यहां से यहां तक क्या होगा 3x टोटल हो गया ना। 30 वाले में तो पूरा कवर हो गया ना, मतलब ये 60 वाला भी कवर हो गया, समझ रहे हो? तो ये डिस्टेंस का आपके पास एक को अगर हमने यहां माना था a प्लस बी तो यहां पे क्या हुआ केवल a, समझ में आ रहा है? आप चाहो तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप खुद से बना सकते हैं, समझ गए?
और इस क्वेश्चन को केवल इस फॉर्म में भी आप बना सकते हो कि ये है ए और ये है बी, क्योंकि 60 वाले को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखो कुछ चीज गिवेन है, जैसे बिल्डिंग का हाइट 60 है, 60 है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो तुम बताओ ये हो गया 20 का, ये हो गया 40 का और ये भी हो गया 20 का, है ना। ए क्या निकला 20, बी क्या निकला 40, आ गया क्या अमित, बोलो भाई। अमित मीटिंग में है क्या, बोलो चैम, हर्षा हर्ष समझ में आ रहा है या फिर से एक बार बनाओ, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए ना। फिर से बता दे रहे हैं, इसके बाद नाइन्थ का दो तीन क्वेश्चन लूंगा मैं, क्योंकि तुम लोगों को बहुत बताया हूं मैं। यहां देखो, सबसे पहले ये एक 60 मीटर का बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक बिल्डिंग पे जो 30 डिग्री का है, और फिर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो 60 डिग्री का है। पहले मुझे बताओ फिगर क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब देखो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो हमने क्या करना है ना, ये जो फिगर है इस फिगर को हम सीधा कर लेते हैं, यूं हम इस फिगर को सीधा कर लें तो आपको थोड़ा ज्यादा आसान दिखेगा। तो यहां पे क्या होगा, एक हो गया आपका 60 डिग्री वाला और एक हो जाएगा 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री के बारे में हमने पढ़ा है कि यहां पे जो है वो 3x है और ये हमने देखा है कि वो x है, समझ गए। ये मैं बताना चाहता हूं, ये क्लियर है कि नहीं है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो 30 डिग्री, हाँ बोलिए सर, वो 3x कैसे हुआ? वही तो, ए और बी का मैंने जनरल फॉर्म बताया है तुम्हें कि ए और बी का यहाँ जो आपको रिलेशन दिया है कि एक अगर ए है और दूसरा अगर बी है तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो वो 3 times ए है। क्या है वो, 3 times ए है, मतलब ये आपको पहले से याद रख लेना है। जब भी आप बनाओगे तो आप इसको कैसे बनाओगे, जैसे मान लो ये अगर 60 है तो आप खुद से यहाँ पे एक अपना कंस्ट्रक्शन भी चाहो तो बना सकते हो 60 का, और इसको मान लोगे ए और इसको मान लोगे बी और ए बी से आप सॉल्व कर दो, ये एक्स ट्री एक्स तो लिखना नहीं है, समझ गए। और ये तो आप जानते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कि ये भी 60 ये भी 90 और ये कॉमन, तो आप इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए तो हो जाएगा। और ये क्या है, ए बी से आपको बनाना है केवल और केवल ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने ये बनाया है। बाद में आप बताओगे कि ए प्लस बी एज पर द क्वेश्चन इज 60 मीटर, जहां पे बी इज इक्वल टू क्या है 2a है, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 60 मीटर, तो a कितना हो गया 20 मीटर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 20 मीटर, ये क्या हो गया 40 मीटर। इस तरह से आपको बताना चाहता हूं मैं कि एक क्वेश्चन को आप जितने भी 60 और 30 वाले एंगल वाले क्वेश्चन होंगे उन सबों को हम लोग आराम से इस इक्वेशन से, हम इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। हर्षा आर यू गेटिंग मी? यस सर। मतलब फिगर को उल्टा पलटी करना होगा लेकिन जो बेसिक रिलेशन है ए और बी का, जो जनरल रिलेशन है वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ये फिगर का ये एंगल दूसरी तरफ बन गया, पर यहां से यहां तक जो नंबर होगा वो, अगर ये ए लिए हैं तो ये पूरा का पूरा 3a है, मतलब नंबर 3 times है, समझ गए। तो मैं चाहता हूं आपको कि ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल एकदम इसी पैटर्न पे थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करो, जो वीक जिनको दिक्कत हो रही है, और जिनको दिक्कत नहीं है वो अपने ढंग से ही चले, क्योंकि बिल्कुल भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको आता है तो क्यों ऐसे बनाओगे, आप पूरा करके बनाओ। ये है कि एकदम एमसीक्यू को क्विक सॉल्व कर सकते हो।